नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा सातवीं राजस्थान अध्ययन का पार्ट नंबर 9। पाठ कर लिए, आज हमारी जो कक्षा सातवीं की किताब है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद में एक परिशिष्ट दिया गया है महात्मा गांधी के बारे में, वो पहले हम बाकी की किताबें पूरी करेंगे, फिर देखेंगे कि ये करते हैं क्या। तो चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। शुरू करते हैं। हमारे देश में विभिन्न राज्य एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है जिसके आधार पर देश या किसी संस्थान को संचालित किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसमें योगदान है। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। सन 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, अभी तक यहाँ पर अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पढ़ते हैं फिर है संविधान सभा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन कहते हैं। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो हमें पता है कैबिनेट मिशन भारत 1942 में आया था। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का क्या अर्थ है? कि जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है वह संविधान सभा। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को ही है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और प्रारूप समिति आई कब थी? 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा का निर्माण कब, कितने समय में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। कितने में? 2 वर्ष 18 माह 11 दिन में। और अगर पूछा जाए कि जो राजस्थान का एकीकरण है वो कितने समय हुआ? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में। यह है राजस्थान के एकीकरण का समय और यह है संविधान निर्माण का समय। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे दिखाया गया मूल प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्या है? संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, अभी बताया गया कि राजस्थान के सदस्य कौन कौन थे जो संविधान सभा के सदस्य बने थे, राजस्थान के निवासी थे। पहले है संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। तो ऐसे 4 लोग थे। अभी पहले हम पढ़ते हैं कि जो राजस्थान के निवासी थे और संविधान सभा के सदस्य थे। तो पहला जो है वो कौन है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से थे। कौन? मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से। माणिक्य लाल वर्मा, ये हैं उदयपुर से। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से। जय नारायण व्यास जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर। रामचंद्र उपाध्याय अलवर। दलेल सिंह कोटा। ये हमें याद होना चाहिए कि कौन कहाँ से था। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर, जय नारायण व्यास जोधपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर, दलेल सिंह कोटा, गोकुलाल अशावर शाहपुरा भीलवाड़ा, जसवंत सिंह बीकानेर। और कौन है? राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, सरदार सिंह खेतड़ी। अब है संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। ये राजस्थान के थे नहीं, पर राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। तो वो ये 4 नाम हैं मेनली। कौन कौन से? सर वी टी कृष्णमाचारी, ये जयपुर के थे प्रशासनिक अधिकारी। सी एस वेंकटाचारी जोधपुर के।
सरदार के एम पन्नीकर बीकानेर के, और सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर के। हम जब भी जोगी किसान आंदोलन पढ़ते हैं तब उसमें नाम आता है टी वी राघवाचार्य, उसमें आता है टी वी राघवाचार्य, नाम क्या है टी विजय राघवाचार्य, ये वही है। अब आगे है, इनके अतिरिक्त राजस्थान के मूल प्रवासी राजस्थानी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल से कि थे, तो राजस्थान के मूल निवासी पर वो कार्य कहीं और कर रहे थे। तो वो कौन कौन है, तो एक है प्रभु दयाल हिम्मत सिंह, ये कहाँ पर थे, पश्चिम बंगाल से थे, गए पश्चिम बंगाल थे। फिर है बनारसी दास झुंझुनवाला, ये बिहार गए। पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश, संविधान सभा से सदस्य चुने गए, कि जो हिम्मत सिंह हैं वो पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, और पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। अब भारतीय संविधान के मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास परंपरा को संस्कृत दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। कितने चित्र हैं, 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया, कई बार एनडी बोस लिखा तो कन्फ्यूज नहीं होना, नंदलाल बोस एनडी बोस एक ही है। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना प्रमुख योगदान दिया। कौन राजस्थान का कौन था, कृपाल सिंह शेखावत, और वैसे किसने बनाया था, नंदलाल बोस ने। संविधान की कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया, और ये जो मूल पृष्ठ है ये उनके द्वारा ही है। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य, पहला है मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कब हुआ है, 30 जनवरी 1903 को हुआ है, कहाँ पर, उदयपुर में। ये वकील थे, और सी आर दास मोतीलाल नेहरू महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी जेल गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहाँ से थे, अजमेर मेरवाड़ा से थे, और स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य भी रहे थे। अब अगले हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हम क्या जानते हैं, एक तो बात हमें पता है कि इन्होंने पंछड़ा गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था, पंछड़ा गीत लिखा था। राजस्थान के एकीकरण के अंदर जो तीसरा चरण था, कौन सा, संयुक्त राजस्थान वाला, उस समय ये क्या बने थे, सीएम बने थे, और इन्हें क्या कहते हैं, मेवाड़ का गांधी कहते हैं। माणिक्यलाल वर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ है, 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ है। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने हेतु सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। पूछा जाए कि प्रजामंडल पर लगी रोक के लिए सत्याग्रह आंदोलन अजमेर में किसने संचालित किया, तो माणिक्यलाल वर्मा ने किया। सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। पंछड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ है। वे 1948 में बृहत्तर राजस्थान के, वह 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया गया। तो हमने क्या पढ़ा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ से, और ये कौन है, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से। अब है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जो जन्म है वो कब हुआ है, 18 फरवरी 1899 जोधपुर के अंदर हुआ है। 18 फरवरी 1899 जोधपुर के अंदर श्री जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। 1927 में तरुण राजस्थान, 1936 में अखंड भारत के कौन है, जयनारायण व्यास। सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 51 से 56 तक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने थे। और जयनारायण व्यास को क्या कहते हैं, इन्हें लक्कड़ का फक्कड़ कहते हैं, लोकनायक कहते हैं, मारवाड़ का गांधी कहते हैं, और ये राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। निर्वाचित व मनोनीत, दोनों कि निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है, ऐसा कौन सा एकमात्र सीएम है, तो वो कौन थे, जेएनवी यानी कि जयनारायण व्यास। अब अगले हैं बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जो जन्म है वो कब हुआ, 8 फरवरी 1900 के अंदर जयपुर में हुआ है। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। पूछा जाए वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की है, तो उदयपुर में की है, 1943 में की है, और किसने की है, बलवंत सिंह मेहता ने की है। यह संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। पूछा जाए संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, तो बलवंत सिंह मेहता थे। तो आप मुझे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि सर्वप्रथम जो एकीकरण हुआ था भारत में विलय होने के लिए, कि भाई हम भारत में आ रहे हैं, तो राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम से हस्ताक्षर किए थे, सबसे अंत में किसने किए थे, और किसने ये बात बोली थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
जो अभी अगले हैं वो है रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में थे संविधान सभा के अध्यक्ष। ये पेशे से वकील थे। मेन किया रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत से। अब है दलेल सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह कोटा के थे ये वैसे। 18 मार्च 1909 को हुआ जन्म। भीम सिंह के जो महाराजा थे, कोटा के जो भीम सिंह महाराजा थे उनके निजी सचिव थे, कानून के जानकार थे। 46 से 50 तक संविधान सभा में कार्य किया था। इन्होंने संविधान के प्रति पर हस्ताक्षर किए। अब अगले हैं गोकुलाल असावा। गोकुलाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा में मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर इन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 32 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़े से संविधान क्या है कि जो गोकुलाल असावा है शाहपुरा भीलवाड़ा है। अब अगले हैं जसवंत सिंह। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य थे, बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत महाराजा सादुल सिंह के प्रधानमंत्री थे। फिर है राज बहादुर, भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी। राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा पर विरोध किया। वे पेशे से वकील, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ ऐसे आ सकता है कि भाई इनके बारे में असत्य कथन कौन से है, ये इनमें से कौन से इनके लिए कथन है कुछ। और 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन इनके लिए नहीं है और 1 इनके लिए है, या 4 ऑप्शन है जिनमें से 3 इनसे मैच खाते हैं 1 नहीं खाते, तो पूछ सकते कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब अगला है हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत और वैसे ओवरऑल पूछा जाए तो फर्स्ट CM हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1899 जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुन सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थरी में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। जीवन कुटीर की थी, इनकी पत्नी कौन थी? रतन शास्त्री। पिछले चैप्टर में हम पढ़ कर आए हैं वनस्थली विद्यापीठ जो है टोंक में, वो भी इनके है। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। वे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कौन? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। सरदार सिंह खेतड़ी के सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी सांसद के सदस्य भी थे। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य। 1958 से 1961 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को निधन। अगले हैं सर वी टी कृष्णमाचारी। ये कहाँ से चुने गए थे? ये हमने पढ़ लिया, जयपुर से चुने गए थे। और ये मूल तक कहाँ के थे? तो वी टी कृष्णमाचारी मूल तक कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। वी टी कृष्णमाचारी कहाँ के थे मूलतः? तमिलनाडु के थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। मैंने बताया था प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, उनमें से 1 डीपी खेतान भी थे। तो जब उनका निधन हो गया तो उनके बाद में सर वी टी कृष्णमाचारी ने उनका स्थान लिया। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए। अब अगले हैं सर CS वेंकटाचारी। ये जोधपुर के थे प्रशासनिक अधिकारी, और बाद में ये क्या बन गए थे? जयपुर के बन गए थे। तो सर CS वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले थे मूलतः। प्रशासनिक अधिकारी ICS पे, अभी तो जैसे क्या होता है IAS होता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव, तो पहले क्या होता था? ICS होता था। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राजा राजप्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। पूछा जाए तो कि प्रथम गैर राजस्थानी राजस्थान का CM कौन रहा था, तो कौन थे? CS वेंकटाचारी थे। और पूछा जाए कि प्रथम गैर कांग्रेसी कौन CM था, तो भैरव सिंह शेखावत थे। फिर है सरदार KM पन्नीकर, बीकानेर के थे ये प्रशासनिक अधिकारी जो गए थे संविधान सभा में। केरल के रहने वाले थे ये। सरदार KM पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे, बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। अब हैं सर TV राघवाचार्य या TV विजय राघवाचार्य।
उदयपुर के थे ये। सटी विजय राघवाचार्य मूल तक कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। प्रशासनिक अधिकारी ICS थे, बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन मेहता को बिचौलिया भेजा। ये हमने बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ते टाइम भी हमने नाम सुने थे। इन्होंने किसानों से समझौता किया, लगान की दरें कम कर उनका लगान घटा दिया और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सटी विजय राघवाचार्य ने संविधान में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। अभी हमारे चैप्टर खत्म हो गया, हम करते हैं शब्दावली। पहला है संविधान सभा। तो भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा क्या है? संविधान सभा। सत्याग्रह, सत्य हेतु किया गया आग्रह क्या गया गया अहिंसात्मक जो आग्रह है वो क्या? सत्याग्रह। फिर है जागीरदारी प्रथा, राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र देना। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का समूह। प्रारूप समिति, संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था। कमेंट में बताइए प्रारूप समिति कब बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन कौन मेंबर थे, जो 7 मेंबर थे वो कौन कौन से थे। फिर आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी राज्य या संस्था या देश का संचालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संविधान किया जाता है। कोई सोचने वाली बड़ी बात नहीं थी। 26 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण दिवस के रूप में क्यों याद करते हैं? तो ऑप्शन में बताइए कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, बिल्कुल नहीं। संविधान का निर्माण हुआ, संविधान लागू हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है अभी हमें मैच करने हैं, तो जय नारायण व्यास कहाँ से थे, बलवंत सिंह मेहता कहाँ से थे, हीरालाल शास्त्री, गोकुलाल असावा, ये सभी मैच करके बताइए। मैं ही बता देती हूँ, जो जय नारायण व्यास थे वो जोधपुर के थे, गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा के थे, हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के थे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी तो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी कौन से थे आप बताइए? अस्थायी अध्यक्ष बने थे जो सच्चिदानंद सिन्हा, वो 9 दिसंबर 1946 को थी सभा उसमें बने थे। 11 दिसंबर 1946 को जब स्थायी अध्यक्ष घोषित किया वो थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में ये लाइन आई थी। कैबिनेट मिशन क्या है? अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? अखंड भारत और तरुण राजस्थान, इन दोनों के प्रकाशक कौन थे? दोनों बताइए। संविधान सभा के उन सदस्यों के नाम लिखे जो राजस्थान के मूल निवासी थे। 3 हमने पढ़े, एक यूपी से हुआ था चयन, एक का पश्चिम बंगाल से हुआ था और एक का बिहार का हुआ था। कौन कौन से थे तीनों का नाम बताइए। हीरालाल शास्त्री का जीवन परिचय, बलवंत सिंह मेहता का संक्षिप्त परिचय, चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। ये भी है परिशिष्ट महात्मा गांधी, ये पहले हम 10वीं तक की किताब पूरी करेंगे, बाद में इसे देखेंगे। तो यहाँ पर तो होती है हमारी 7वीं की जो राजस्थान अध्यक्ष वाली पुस्तक है पूरी होती है। अब हम 8वीं की सीरीज शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सकें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह है। जय हिंद, जय भारत।